आज हम इंसान मंगल ग्रह को अपने अगले घर की तरह देखते हैं, जहां अगले केवल 15 से 20 सालों में हम ह्यूमन कॉलोनीज बसा लेंगे। मंगल ग्रह के सरफेस और एटमॉस्फेयर का करीबी से अध्ययन करने के लिए हम इंसानों ने इस लाल ग्रह पर कई मिशंस भेजे हैं, जिनमें रोवर, लैंडर और ऑर्बिटर मिशंस शामिल हैं, और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण रोवर मिशंस होते हैं। अभी तक मानव इतिहास में केवल 4 ही रोवर मिशंस मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कर पाए हैं, जिनमें मार्स पाथफाइंडर, स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी और क्यूरियोसिटी जैसे ऐतिहासिक मिशन शामिल हैं। और पिछले 30 जुलाई को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने मार्स 2020 मिशन के अंतर्गत अपने नेक्स्ट जनरेशन परसीवरेंस रोवर को मंगल ग्रह की ओर रवाना किया। वर्तमान समय में यह मिशन मंगल ग्रह के अपने 7 महीनों के लंबे सफर के अंतिम दौर में पहुंच चुका है और 18 फरवरी को यह मंगल ग्रह के जजीरो क्रेटर पर लैंड करने की कोशिश करेगा। अन्य रोवर मिशनों की तरह ही इस मिशन का मुख्य उद्देश्य मंगल ग्रह के सरफेस और एटमॉस्फेयर का करीबी से अध्ययन करना और साथ ही मंगल ग्रह पर किसी प्रकार के एंशियंट माइक्रोबियल लाइफ की खोज करना है। नासा का यह नेक्स्ट जनरेशन रोवर बेहद ही खास होगा, जो कि भविष्य में प्रस्तावित मार्स सैंपल रिटर्न मिशन और ह्यूमन मिशंस में एक काफी महत्वपूर्ण योगदान निभा सकता है। साथ ही मार्स 2020 मिशन के अंतर्गत परसीवरेंस रोवर के साथ एक मार्शियन हेलीकॉप्टर मिशन भी मंगल ग्रह पर भेजा जा रहा है, जो कि किसी दूसरे ग्रह पर भेजा गया पहला एरियल हेलीकॉप्टर मिशन है। ऐसे में इस मिशन को इस सदी का सबसे महत्वपूर्ण मिशन माना जा रहा है, जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी तक हम इंसानों ने मंगल ग्रह पर कुल 4 रोवर मिशन भेजे हैं, जिनमें सबसे पहला रोवर मिशन था नासा का मार्स पाथफाइंडर। इस मिशन को दिसंबर 1996 में लॉन्च किया गया था, जो कि जुलाई 1997 में सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर लैंड हुआ। इस मिशन ने प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में एक रिवॉल्यूशन लाने का काम किया, क्योंकि यह पहली बार था जब हमने किसी दूसरे ग्रह पर एक चलता फिरता रोबोट भेजा था। पर यह रोवर केवल कुछ महीनों तक काम कर पाया और सितंबर 1997 में हमारा इससे संपर्क टूट गया, जिसके बाद जून और जुलाई 2003 में नासा ने स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी नाम के 2 जुड़वा रोवर मिशनों को लॉन्च किया। दोनों ही रोवर्स जनवरी 2004 में सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर लैंड हुए। इन दोनों ही मिशनों ने मंगल ग्रह के बारे में हमारी समझ और जानकारियों को पूरी तरह बदल कर रख दिया। वर्तमान समय में मंगल ग्रह के बारे में हमारी ज्यादातर जानकारियां इन्हीं 2 रोवर मिशनों द्वारा जुटाई गई हैं, पर मई 2011 में हमारा स्पिरिट रोवर से संपर्क टूट गया और मंगल ग्रह पर आए भयानक तूफान की वजह से अपॉर्चुनिटी रोवर ने भी आखिरकार फरवरी 2019 में हमारा साथ छोड़ दिया। मार्स एक्सप्लोरेशन में आगे बढ़ते हुए नासा ने नवंबर 2011 में अब तक के सबसे ज्यादा एडवांस्ड रोवर क्यूरियोसिटी को लॉन्च किया। यह रोवर अगस्त 2012 में मंगल ग्रह के गेल क्रेटर नामक जगह पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ। आप क्यूरियोसिटी रोवर को मंगल ग्रह पर मौजूद एक चलती फिरती लैबोरेटरी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें उस समय के सबसे उन्नत साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं, जो कि मंगल ग्रह के सॉइल, एंशियंट लाइफ, सरफेस, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से लेकर उसके एनवायरनमेंट कंडीशंस का अध्ययन करने में सक्षम है। वर्तमान समय में यह रोवर सही तरीके से काम कर रहा है और समय समय पर कई महत्वपूर्ण जानकारियां पृथ्वी तक भेजता है, पर धीरे धीरे यह रोवर भी बूढ़ा होता जा रहा है। ऐसे में इसकी एफिशिएंसी और पावर जनरेशन भी समय के साथ कम होते जा रहा है। ऐसे में अमेरिकी स्पेस एजेंसी ने मार्स एक्सप्लोरेशन के अगले चरण के अंतर्गत एक नए और आधुनिक रोवर मिशन पर काम करना शुरू किया। नासा ने मार्स 2020 मिशन के अंतर्गत अब तक के सबसे आधुनिक परसीवरेंस रोवर को डेवलप किया, जो कि क्यूरियोसिटी रोवर से काफी मिलता जुलता है। वहीं इस मिशन के अंतर्गत नासा ने एक ड्रोन हेलीकॉप्टर भी डेवलप किया, जिसे इंजेन्यूटी नाम दिया गया है। मार्स 2020 मिशन को पिछले साल 30 जुलाई को एटलस V541 रॉकेट के जरिए फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया था। वर्तमान समय में यह मिशन अपने साथ महीनों के लंबे सफर के अंतिम दौर में है, जो कि 18 फरवरी को मंगल ग्रह के जजीरो क्रेटर पर लैंड करने की कोशिश करेगा। मंगल ग्रह पर लैंड करने का 7 मिनट का सीक्वेंस इस मिशन के सबसे महत्वपूर्ण और खतरनाक 7 मिनट होंगे, जहां यह मिशन मंगल ग्रह के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। सबसे पहले यह 18 फरवरी को मंगल ग्रह के थिन एटमॉस्फेयर में दाखिल होगा, जहां इसकी स्पीड करीब 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। ऐसे में इसके सभी मेन इंस्ट्रूमेंट्स एक विशेष हीट शील्ड से कवर होंगे, जो कि इसे किसी भी डैमेज से बचाएंगे। इसके बाद इसमें लगे विशेष पैराशूट्स और पावर डिसेंट इसके स्पीड को धीरे धीरे करीब 3 से 4 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम कर देंगे।
जिसके बाद एक विशाल स्काई क्रेन मुख्य रोवर को मंगल ग्रह के सरफेस में इसके 6 व्हील्स में लैंड कराने की कोशिश करेगा। सफलतापूर्वक रोवर को लैंड कराने के बाद यह क्रेन मुख्य रोवर से अलग हो जाएगा। वैसे तो नासा मंगल ग्रह पर अपने कई मिशनों को सफलतापूर्वक लैंड करा चुका है, पर मंगल ग्रह पर किसी भी मिशन को लैंड कराना बेहद ही चुनौतीपूर्ण होता है, जिसका मुख्य कारण है इसकी बेहद ही वीक ग्रेविटी, जो कि धरती के ग्रेविटी का केवल 38% ही है। ऐसे में मंगल ग्रह पर भेजे गए केवल 40% मिशन ही सफल रहे हैं, वहीं करीब 60% मिशन फेल। इस बार मार्शियन रोवर के लैंडिंग साइट के तौर पर जजीरो क्रेटर को चुना गया है, जो कि मंगल ग्रह पर मौजूद करीब 45 किलोमीटर विशाल इंपैक्ट क्रेटर है। माना जाता है कि जजीरो क्रेटर पर आज से कई बिलियन सालों पहले एक एंशियंट लेक मौजूद था। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर कभी मंगल ग्रह पर जीवन मौजूद था तो यहाँ उन्हें एंशियंट मार्शियन लाइफ के सबूत जरूर मिल सकते हैं। कई सालों तक किए गए अध्ययनों और मंगल ग्रह के सरफेस की तस्वीरों से यह साफ है कि आज से कई बिलियन सालों पहले मंगल ग्रह काफी हद तक हमारे पृथ्वी की तरह ही था, जहां लिक्विड वाटर के लेक्स और नदियां मौजूद थीं। ऐसे में परसीवरेंस रोवर का मुख्य मकसद इस क्रेटर का अध्ययन कर मंगल ग्रह पर एंशियंट माइक्रोबियल लाइफ का पता लगाना होगा। परसीवरेंस रोवर का डिजाइन नासा के पिछले क्यूरियोसिटी रोवर से काफी मिलता जुलता है, पर इसमें क्यूरियोसिटी रोवर से ज्यादा एडवांस्ड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद होंगे। परसीवरेंस रोवर में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट इसके लॉन्ग रेंज मोबिलिटी सिस्टम पर किया गया है, जो कि इसे मंगल ग्रह पर 5 से 20 किलोमीटर तक चलने की काबिलियत देता है। साथ ही यह पहला रोवर होगा जिसमें एक ड्रिल सिस्टम मौजूद होगा, जो कि मार्शियन सॉइल और रॉक के सैंपल्स को जमा कर एक विशेष कैप्सूल में स्टोर करके रखेगा। यह ईएसए और नासा के महत्वाकांक्षी मार्स सैंपल रिटर्न मिशन का पहला चरण होगा। इसके दूसरे चरण में ईएसए का एक्सो मार्स रोवर मिशन है, जो कि एक लाइट वेट व्हीकल होगा। वह कई महीनों तक मंगल ग्रह के सरफेस पर मार्स 2020 द्वारा कलेक्ट किए गए सैंपल कैप्सूल्स को इकट्ठा कर सबसे ज्यादा साइंटिफिकली इंटरेस्टिंग सैंपल कैप्सूल को चुनेगा, जिसके बाद इसके तीसरे चरण में एक्सो मार्स रोवर इन सैंपल कैप्सूल्स को मार्स सैंपल रिट्रीवर लैंडर तक ले जाएगा। यह यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक लैंडर होगा, जिसमें एक विशेष सॉलिड रॉकेट मोटर मौजूद होगा। एक्सो मार्स रोवर सैंपल से भरे इन कैप्सूल्स को इस लैंडर तक ले जाएगा, जिसके बाद यह रोवर अपने में मौजूद विशेष रॉकेट की मदद से इन कैप्सूल को मंगल ग्रह के ऑर्बिट में करीब 350 किलोमीटर की ऊंचाई तक भेजेगा। इसके बाद इसके चौथे चरण में ईएसए का अर्थ रिटर्न ऑर्बिटर मंगल ग्रह के ऑर्बिट में इस सैंपल कैप्सूल्स को कलेक्ट करेगा और अपने विशेष सोलर इलेक्ट्रिक आयोन इंजन की मदद से धरती तक का सफर तय करेगा। इस बार धरती के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद यह अर्थ रिटर्न ऑर्बिटर इस मार्स सॉइल सैंपल से भरे हुए कैप्सूल को एक विशेष कंटेनर में भरकर धरती पर भेजेगा। उम्मीद है कि 2030 तक यह विशेष कंटेनर सैंपल कैप्सूल के साथ धरती पर लैंड कर सकता है और तब जाकर पहली बार धरती पर मौजूद वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह के सॉइल और रॉक के सैंपल्स का अध्ययन करने का मौका मिलेगा, जिसका अध्ययन कर वैज्ञानिक मंगल ग्रह के सरफेस एटमॉस्फेयर के बारे में काफी अच्छे से जान सकते हैं। इन महत्वपूर्ण जानकारियों का इस्तेमाल भविष्य में मंगल ग्रह पर प्रस्तावित मानव मिशनों और मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां बसाने के लिए किया जाएगा। परसीवरेंस रोवर पर एक विशेष इक्विपमेंट भी मौजूद होगा, जो कि मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। यह मुख्य रूप से एक टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेशन होगा, जिसके द्वारा जुटाई गई जानकारियों का इस्तेमाल वैज्ञानिक मंगल पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन और दूसरे इक्विपमेंट डिजाइन करने में कर सकते हैं। साथ ही यह रोवर मंगल ग्रह के वेदर और इसके एटमॉस्फेयर में मौजूद डस्ट का भी अध्ययन करेगा, ताकि वैज्ञानिक मंगल ग्रह के सीजनल वेदर और डस्ट स्टॉर्म्स के बारे में और अच्छे तरीके से जान सके। परसीवरेंस रोवर द्वारा जुटाई गई ये सभी जानकारियां वैज्ञानिकों को भविष्य में प्रस्तावित ह्यूमन मार्स मिशंस की तैयारियों में काफी मदद करेगा। नासा ने मंगल ग्रह पर परसीवरेंस रोवर के साथ ही एक रोबोटिक हेलीकॉप्टर भी भेजा है। यह काफी हद तक एक ड्रोन हेलीकॉप्टर है, जिसे इंजेन्युइटी नाम दिया गया है। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार यह ड्रोन हेलीकॉप्टर एक सॉफ्ट बॉल की तरह है, जिसका वजन मात्र 1.8 किलोग्राम है। यह पहली बार होगा जब किसी दूसरे ग्रह पर कोई ड्रोन या हेलीकॉप्टर मिशन भेजा जा रहा है। सबसे पहले मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड होने के बाद यह ड्रोन हेलीकॉप्टर धीरे धीरे मेन रोवर से अलग होगा,
जिसके बाद यह मंगल ग्रह पर करीब 30 दिनों का अपना टेस्ट फ्लाइट शुरू करेगा। इस 30 दिनों के टेस्ट कैंपेन के दौरान यह हेलीकॉप्टर करीब 5 बार मंगल ग्रह पर उड़ान भरेगा। किसी दूसरे ग्रह पर अपने सबसे पहले उड़ान के दौरान यह हेलीकॉप्टर करीब 20 से 30 सेकंड तक हवा में रहेगा, जिस दौरान यह मार्शियन सरफेस से कुछ फीट तक ऊंचा उठेगा। अगर इसका पहला टेस्ट फ्लाइट सफल रहता है तो यह मानव इतिहास के सबसे महान उपलब्धियों में से एक होगा, क्योंकि यह मानव इतिहास में पहली बार होगा जब हम धरती से अरबों किलोमीटर दूर किसी दूसरे ग्रह पर कोई ड्रोन हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे। इसके बाद यह 4 और फ्लाइट्स को अंजाम देगा, जिस दौरान यह मार्शियन सरफेस से करीब 10 मीटर ऊपर उठेगा और करीब 300 मीटर तक का सफर तय करेगा। इस दौरान यह लगातार परसीवरेंस रोवर के संपर्क में रहेगा और उसकी मदद से रियल टाइम डेटा धरती तक भेजता रहेगा। अपने फ्लाइट्स के दौरान यह हेलीकॉप्टर अपने परसीवरेंस रोवर के लिए बेस्ट रूट खोजने की भी कोशिश करेगा। पर 30 दिनों के इसके टेस्ट कैंपेन के बाद इसका क्या होगा, यह अभी तक साफ नहीं है। पर मंगल ग्रह पर केवल 90 दिनों के साइंस एक्सप्लोरेशन के लिए भेजे गए अपॉर्चुनिटी रोवर ने करीब 15 सालों तक मंगल ग्रह का अध्ययन किया, जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरत में डाल दिया था। ऐसे में यह देखना रोमांचक होगा कि क्या यह मिनी हेलीकॉप्टर मंगल ग्रह पर 30 दिनों से ज्यादा सर्वाइव कर पाता है या नहीं। पर इसके चले जाने के बाद भी परसीवरेंस रोवर आने वाले कई सालों तक मंगल ग्रह का अध्ययन करता रहेगा। यह मिशन मानवों के भविष्य के लिए काफी महत्वपूर्ण मिशन साबित होगा, जो कि मंगल ग्रह पर इंसानों को बसाने और मानव बस्ती बसाने के लिए काफी मदद